गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस विल बी योर 10th लेक्चर ऑफ मैथ्स। ठीक है बेटा, ये आपका 10th लेक्चर है मैथ्स का और इसमें हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। उससे पहले 6.3 का जो आपको फेयर में काम करना है वो नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको थर्ड पार्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको थर्ड पार्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आपको थर्ड एंड फिफ्थ ये पार्ट्स करने हैं, थर्ड एंड फिफ्थ। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं अपनी एक्सरसाइज के 6.3 के फेयर कॉपी पे, ठीक है, ये आपको फेयर कॉपी पे करना है। चलिए, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट होती है। तो 6.4 में बेटा हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लो एक एक्स प्लस वाई है आपका, ये क्या है, ये बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका ए प्लस बी, तो अगेन ये भी बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो बाइनोमियल को आप बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम x को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम y को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम y को b से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, जैसे हमने पहले x को a से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू a हो गया, तो x इंटू a x से हो गया, प्लस फिर x को हमने b से मल्टीप्लाई किया तो x b हो गया, प्लस y को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो y a हो गया, फिर हमने y को b से मल्टीप्लाई किया तो y b हो गया। बस ये आपको करना है नॉर्मली, ठीक है। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है आपका बाइनोमियल के लिए। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है कि आपके दो बाइनोमियल्स दिए गए हैं और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लीजिए, जिसमें क्या दिया गया, 2.5a प्लस 2.3b। पॉइंट से डरना वाली बात नहीं है, डेसिमल है, डेसिमल से डरते नहीं है, एंड इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5a से अगेन प्लस माइनस 2.3b से, ठीक है, तो 2.5a से और माइनस 2.3b से। तो देखो बेटा, इसमें आप एक चीज नोटिस करो, इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो फर्स्ट टर्म है ये दोनों सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का, ठीक है, डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का, ठीक है, सिंपली डिफरेंस किसका है, प्लस और माइनस का। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ऐसे करके कोई टर्म लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखो इसमें ए और ए सेम है, बी और बी सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अगर ऐसा करके कुछ दिया गया है तो इसको बेटा आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए आपका शॉर्टकट है। लेकिन पहले हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके करेंगे फिर शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको शॉर्टकट वाले मेथड को हम दोबारा में बाद में करेंगे, ठीक है, फिलहाल हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5a प्लस 2.3b इन टू 2.5a माइनस 2.3b, ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या होगा, 2.5a इन टू 2.5a, ये सबसे पहला बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये इन टू ये माइनस ये, तो माइनस माइनस का साइन आ गया, माइनस 2.5a, ठीक है, माइनस 2.5a इंटू 2.3b, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका,
इसके बाद हम करेंगे प्लस, अब 2.3b को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2.3b इंटू 2.5a, ठीक है। अब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस ही होता है, और ये हो जाएगा 2.3b इंटू 2.3b, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन जाएगा, 2.5 और a का होल स्क्वायर बन गया, ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। माइनस, अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही तो है भैया, ये है तुम्हारा मान लो 2.5a इंटू 2.3b, 2.5a इंटू 2.3b, ये क्या है 2.3b इंटू 2.5a, है ना, मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, चाहे आप 2 इंटू, ये देखो ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे a इंटू बी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बी इंटू ए, तो a इंटू बी या b इंटू ए, तो आंसर तो सेम ही आता है ना, a इंटू बी या b इंटू ए, आंसर तो सेम ही आता है ना, तो ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब a प्लस बी माइनस ए माइनस प्लस ए, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपका बचा क्या, ये बचा, तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया माइनस का 2.3b पे होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन गया माइनस 2.3b पे होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से इसको हमने किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया 2.5a। अब देखो बेटा ये वापस से फॉर्मूला बन गया, जो मैं आपको बता रहा था फॉर्मूला बन जाता है, है ना, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि अगर आपका लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो यही तो बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, भैया ये a ही तो है, दोनों सेम है, तो a a प्लस बी ए माइनस बी सेम सेम है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आके, हमें ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ये चीज हुई हमारी। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625, मतलब कि 6.25a स्क्वायर, ठीक है, 6.25a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 2.3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2.3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, तो ये बन गया 9 and 12 1 5 2 9 5.29, ये बेटा बन गया आपका माइनस का 5.29b स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से कुछ हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है बाइनोमियल में, हमने पहले इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी टर्म को हमने इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर हमने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, समझ में आया, वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है। और ये कैंसिल आउट क्यों हो गए, क्योंकि ये आंसर सेम आएगा, ये बन गया तुम्हारा a इंटू बी, और ये भी बन गया b इंटू ए, तो a इंटू बी और b इंटू ए सेम ही तो होगा, बस ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हुआ आपका, आप एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कॉपी पे कर सकते हो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो इसको आप कर सकते हो। तो इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही, थैंक यू क्लास।